जब लोगों को उनके पार्टनर ब्लॉक कर देते हैं, तब लोगों को लगता है कि अब मेरा पार्टनर मेरी लाइफ से दूर जा रहा है क्योंकि इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो पूरी ताकत के साथ उसके पीछे पड़ जाते हैं, उनको कवर अप करने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, जिसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ से वो चला ही गया। आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे होते हैं कि वो इंसान को आप अपनी लाइफ में वापस ला सकते हो और वो इंसान आपको खुशी खुशी प्यार करेगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल इसलिए कि जो भी वो इंसान सोचता है, जो भी डिसीजन लेता है, वो अपने दिमाग से लेता है। और आप किसी भी इंसान के दिमाग की कंडीशनिंग कर सकते हो, यानी कि उसके दिमाग में अपनी एक ऐसी इमेज बना सकते हो जिसके कारण वो इंसान आपको ही प्यार करेगा, आपको ही पसंद करेगा। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इस केस में देखते हैं कि लोग आपको ब्लॉक कब करते हैं। सबसे पहले ऐसे लोग आपको ब्लॉक करते हैं जिनको पता होता है कि आपको ब्लॉक करने से आप तड़पोगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए ब्लॉक करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, ब्लॉक अनब्लॉक आपको करते रहते हैं अपनी कोई बात मनवाने के लिए। आपने नहीं माना, ब्लॉक कर दिया, धमकी देते हैं, मैं तुझे छोड़ दूंगा। ऐसे लोग आपको ब्लॉक इसलिए करते हैं ताकि आप तड़पते हो। ऐसे लोगों का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये सोल्यूशन है कि अगर आपने उन लोगों के सामने तड़पना बंद कर दिया, आपने अपने इमोशन जो बेताबी होती है वो दिखानी बंद कर दी, तो वो लोग सुधर जाएंगे। धीरे धीरे वो लोग सुधर जाएंगे। पहले कुछ और भी रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसे लोगों के सामने आपने बेचैनी शो करना बंद कर दिया तो डेफिनेटली वो सुधर जाएंगे। अब दूसरी तरह के लोग वो होते जो आपको ब्लॉक कर देते, और ये सीरियस वाला ब्लॉक होता है कि जो लोग रियल में आपसे थक गए होते, जो लोग रियल में आपसे परेशान हो गए होते। अब किस तरह से वो आपसे परेशान हो गए? देखिए, हम जब इमोशन में होते ना, तो कई बार हमें ऐसा ही लगता है कि हमारा पार्टनर है वही गलत कर रहा है, हमारी तो कोई गलती नहीं होती। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत होता है, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम गलत होते हैं। कई बार हम भी उनके इमोशन को हर्ट करते हैं। ऐसा रिलेशन होता है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, फिर भी ब्लॉक वाली चीज़ हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ ऐसे रिलेशन में, बहुत सीरियस रिलेशनशिप में ये हो सकता है। देखिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, लेकिन हो सकता है कि हम खुद की नज़रों में कभी गलत नहीं हो सकती, ये हम सब जानते हैं। तो हम अपने जो मिस्टेक होती है उसको नहीं ढूंढ सकते, लेकिन प्रॉब्लम हमसे भी होते हैं। और ये फैक्ट है कि हम जिस इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, अनजाने में हम उस इंसान को सबसे ज़्यादा परेशान करते, हर्ट भी करते हैं, और कई बार इसी रीज़न से वो हमें ब्लॉक कर देता है। ऐसी सिचुएशन में बेहतर ये कि उस इंसान को थोड़ा समय दीजिए, कुछ समय के लिए बातचीत बंद करें, सिर्फ ऐसे ही, इग्नोर करने के लिए नहीं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग, उसका गुस्सा दोनों तरफ से कम हो जाएगा और दोनों को एक दूसरे की याद आएगी, अगर ऐसी कंडीशन में है तो। अब तीसरा तरह के लोगों के बारे में बात करते हैं जो आपको ब्लॉक कर देते हैं। अब वो लोग ये होते हैं कि उनको आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो आपको कुछ मानते ही नहीं, उनको लगता है कि आप उनके लेवल के नहीं हो। ज़्यादातर आपके वो क्रश होते हैं जिनको आप में एक पर्सन भी इंटरेस्ट नहीं होता। एक ऐसे लोगों के लिए आप क्या करोगे, उनके सामने क्या करोगे? बहुत सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तीनों चीज़ों में आपको जो रीज़न है उनके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उनके सामने बार बार जाने से, बार बार कॉन्टेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। अब हम तीसरे केस के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे आप जैसे हो वैसे उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, यानी कि वो आपको कुछ मानते नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा कि अपने में क्या कमी है यार। अपनी पर्सनालिटी को आप अच्छी करिए, उनके स्टैंडर्ड को समझिए कि उनको कैसे बंदे या बंदी पसंद है, क्योंकि हर इंसान के दिमाग में कुछ तो होगा ना जो उसको पसंद होगा। उस इंसान को स्टडी करिए, क्या करना चाहता है, क्या शौक है, क्या हैबिट है, क्या उसकी हॉबीज़ है। अभी जिस हालत में हो उस हालत में तो उसे नहीं पसंद, ठीक है ना, उस लिए तो उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। अपने आप को इम्प्रूव करना, यही आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। ये हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि वो इंसान के साथ आपकी कोई बात बने। अगर कोई आपको ब्लॉक करता है तो इनमें से तीन में से एक ही कंडीशन होगी, और जो भी कंडीशन हो उसके हिसाब से आप उनका रिप्लाई देते हो, आप वैसे रिएक्ट करते हो, तो आई एम श्योर कि वहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ, आपको उतना हार्डवर्क करना पड़ेगा, रियल में आपको ये करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे साथ पर्सनली फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखी है। थैंक यू सो मच। मीकी वीडियो नच्चिनट्लयिते लाइक चेयंडि, शेयर चेयंडि, सब्सक्राइब चेयंडि। रेगुलर नोटिफिकेशन्स कोसम बेल बटन ने प्रेस चेयंडि।